पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती पटना के सदाकत आश्रम में मनाया गया। इस समारोह में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम में मौजूद राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जयंती पर सदाकत आश्रम में बिहार के तमाम कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। राजीव गांधी का देश के लिए बहुत सारा योगदान रहा है। जिस तरीके से आज देश में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हुआ है, जिस तरीके से सूचना क्रांति का अनुभव हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं, भारत की पूरी प्रतिष्ठा जो बढ़ी है, ये राजीव गांधी की ही देन है। इस मौके पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राजीव गांधी का जो सपना है, उनके सपने को आने वाले समय में हमारे नेता राहुल गांधी पूरा करे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि निश्चित रूप से वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे नेता भी थे और हमारे देश के आदर्श भी थे। कम समय में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने और विदेश नीति को मजबूत करने का काम किया था। देश को कंप्यूटर सेवा देने का और संगठन को मजबूती देने का भी काम उन्होंने किया था। कांग्रेसी एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह राष्ट्र उनके योगदान और उनके उपलब्धियों को भुला नहीं सकती है। नई शिक्षा नीति के मामले में 18 साल के नौजवानों को जो वोटिंग राइट्स दिया, उन्होंने उस चीज को कोई भी भुला नहीं सकता। हमें उनके बताए रास्ते पर आगे चलना है, यही हमने आज संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।